नमस्ते भाई। देखो बहुत दिन बाद यूट्यूब पे आया हूँ, लेकिन आज एक नए टॉपिक के साथ में आया हूँ। ठीक है, जितने भी डॉक्टर्स होते हैं जो मोस्टली मेडिकल टर्म्स यूज करते हैं, उन मेडिकल टर्म्स को मैंने यहाँ लिख रखा है। कुछ कुछ मेडिकल टर्म्स की हिंट से आप ये पहचान सकते हैं कि वो चीज़ जो है किससे रिलेटेड है। जैसे कि जितने भी डॉक्टर्स होते हैं या डॉक्टर्स के अलावा जितने भी हम सर्जरी वगैरह करते हैं, वो सर्जरी किसकी हो रही है, ठीक है, हमारे हार्ट की हो रही है, ब्रेन की हो रही है, इन सब चीज़ों के बारे में जानते हैं। या जैसे कि आप रिपोर्ट करवाते हैं, लंग्स की रिपोर्ट करवाई, ईजी वगैरह, ईसीजी वगैरह कराते हैं, तो उन रिपोर्ट्स में क्या आया है, नॉर्मली है या नहीं है, या वो रिपोर्ट्स किससे रिलेटेड है, उन सब के बारे में जानते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा था मेडिकल टर्मिनोलॉजी, आपको जहाँ पे भी कार्डिक वर्ड दिखे तो कार्डिक वर्ड जो है आपके हार्ट से रिलेटेड होता है। हार्ट होता है आपका दिल, ठीक है, जहाँ पे भी कार्डिक होगा वो हार्ट से रिलेटेड होगा। पल्मोनरी वर्ड जो है वो आपके लंग्स से रिलेटेड होगा, ठीक है। हेपेटिक वर्ड जो है वो आपके लीवर से रिलेटेड होगा, जैसे कि आपने हेपेटाइटिस बी वगैरह ये सुना होगा, ठीक है। रेनल वर्ड जो है वो आपकी किडनी से रिलेटेड होगा। ऐसे ही एंसीफेलॉन जो वर्ड है वो आपके ब्रेन से रिलेटेड होगा, ठीक है। ब्रेन में जैसे कि आपने एक मोस्ट प्रोबेबली डिजीज वगैरह सुनी होगी, ये जो आपने लिख रखी है एंसीफेलेटाइटिस। एंसीफेलेटाइटिस मतलब आपके ब्रेन की जो स्वेलिंग आती है, ब्रेन में भी हमारे जो है, जैसे कि ये आपका ब्रेन है, ब्रेन की तीन मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है, ठीक है। ब्रेन में तीन मेम्ब्रेन होती है, उन तीन मेम्ब्रेनों में जो स्वेलिंग आ जाती है उसी स्वेलिंग को हम जो है क्या बोल देते हैं, मैग्नाइटिस। क्या बोलते हैं, मैग्नाइटिस। आइटिस वर्ड का मतलब मैं आपको बता देता हूँ, जहां पे भी आइटिस वर्ड होता है वो आपको किसी ना किसी पार्ट में स्वेलिंग को दिखाएगा। स्वेलिंग इन एनी बॉडी पार्ट, जैसे कि आपने एक वर्ड सुना होगा ब्रोंकाइटिस, आपकी जो ब्रोंकियोली होती है उसमें ब्रोंकाइटिस में जब सूजन आ जाती है तो ब्रोंकाइटिस वर्ड यूज किया जाता है, ठीक है। ये तो आप जानते ही होंगे मोस्ट प्रोबेबली, लेकिन बहुत से ऐसे हैं जहाँ पे आप इन चीज़ों को भी नहीं जान पाते हैं। आपने बहुत ज़्यादा टर्म जो है यूज किया होगा डॉक्टर्स के थ्रू, सुना होगा एक ईजी और एक ईसीजी। ईजी का मतलब है इलेक्ट्रोएन्सीफेलोग्राफी। ये जो वर्ड एन्सीफेलो है, अभी मैंने आपको बताया एन्सीफेलोन का मतलब क्या होता है, ब्रेन से। तो ईजी यानी कि ये किसकी होती है, ब्रेन की होती है। ब्रेन में वो क्या दिखाती है, ब्रेन की वर्किंग को दिखाती है कि आपका ब्रेन जो है वो ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ईजी में आप किसको दिखाएंगे, ब्रेन को दिखाएंगे, ठीक है। ऐसे यहाँ पे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, तो कार्डियो वर्ड अभी मैंने आपको बताया, कार्डियो वर्ड आपका किससे रिलेटेड है, हार्ट से रिलेटेड है। तो ये हार्ट की जो है ईजी होती है, ठीक है, ईजी सॉरी ब्रेन की होती है, ईसीजी हार्ट की होती है। हार्ट में जैसे कि आपने देखा होगा रिपोर्ट्स में ऐसे करके लाइनिंग बनी आती है, ऐसे करके यहाँ पी होता है, क्यू आर एस टी, ऐसे करके। तो ये जो है नॉर्मली अगर किसी नॉर्मल बींग की जिसकी हार्ट जो हार्ट बीट वगैरह है वो अगर ठीक ठाक चल रही है तो वो ऐसे जो है आपके ईसीजी में दिखा आ जाएगा, ठीक है। इसी से रिलेटेड एक और मैंने बता था, जैसे कि अगर आपकी ऐसे नॉर्मल सीधी लाइन आ जाती है तो वो आपको किसे दिखा देती है, डेड बीन को दिखा देती है, कि आदमी जो है अब क्या है, मर गया, ठीक है। आपने मूवी वगैरह में देखा भी होगा कि कंप्यूटर पे ऐसे 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 लाइनें चल रही होती हैं, ठीक है, फिर एकदम सीधी लाइन आ जाती है और फिर वो मर जाता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ठीक है, थैंक यू। लाइक शेयर और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करें, और इसका सेकेंड पार्ट बहुत जल्दी आएगा। थैंक यू।